राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि बाला कहता है राजकुमार बासु से, आपको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि भार्गवी को आपका ये उपाय सुनिश्चित है भी या नहीं। और कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं आप कुछ और सोच रहे हैं? और वो कुछ और। और फिर राजकुमार बासु कहता है, ठीक है तुम कहते हो तो सुनिश्चित कर ही लेते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु प्रातः होते ही ऋषि भृगु के समक्ष जाते हैं और सर्वप्रथम उनका आशीर्वाद लेते हैं। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, राजकुमार बासु आप यहाँ? और फिर राजकुमार बासु कहता है, पिताश्री उचित कहते हैं, हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, आप हमारे राजपुरोहित हैं, आपको यहाँ पूजा करते देख मन प्रसन्न हो गया। और कहता है, मुझे विश्वास है कि अब मेरा दिन शुभ होगा। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, मुझे भी आपको यहाँ देख अत्यंत प्रसन्नता हुई राजकुमार बासु। और कहते हैं, यदि मन में श्रद्धा और सच्चाई हो तो हर कार्य पवित्र होता है। और फिर बासु कहता है, जी मैंने भी सच्चे मन से भार्गवी को उपहार दिया था कल, आशा करता हूँ कि आपको और भार्गवी को दोनों को ही उपहार पसंद आया होगा। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, उपहार? कैसा उपहार? और फिर राजकुमार बासु कहते हैं, भार्गवी ने आपको बताया नहीं? और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, नहीं भार्गवी ने तो कुछ भी नहीं कहा। और फिर कुमार बासु कहता है, कोई बात नहीं, भार्गवी ने देखा होगा, आप उनसे पूछिएगा कि उपहार कैसा लगा। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, अवश्य मैं पूछ के आपको बताऊंगा। और फिर राजकुमार बासु कहता है, आज्ञा दीजिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु जा रहे होते हैं और स्मरण करते हैं, बस एक बार भृगु और उसकी पुत्री को अपने बस में कर लूं, फिर मेरी प्रत्येक समस्या हल हो जाएगी। और सबसे पहले तो मैं उस श्रीनिवास को बाहर करूंगा वेंकटगिरी से। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंद राज श्रीनिवास को देखते हैं और कहते हैं, ओहो अब तो मेरा मित्र खुली आंखों से भार्गवी के सपने देखने लगा। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, नहीं नहीं गोविंद राज, आप भी ना कुछ भी कहते हो, मैं तो बस सोच रहा था कि। और तभी गोविंद राज कहते हैं, क्या सोच रहे थे, बताओ बताओ। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, अब आपको ज्ञात ही है तो आप क्यों पूछ रहे हो, आप भी ना। और फिर गोविंद राज कहते हैं, देखो सत्य बात तो ये है, तुम्हारी इस प्रसन्नता से मैं इतना प्रसन्न हूँ, इतना अधिक प्रसन्न हूँ, मैंने इस जीवन में मैंने कभी नहीं देखा है श्री। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, यदि आप चाहते हो कि मैं इतना प्रसन्न सदैव रहूं, सदैव मेरे मुख पर ऐसी ही मुस्कान रहे, तो कुछ बातों का तो ध्यान रखिए गोविंद राज। मैंने आपसे कहा था कि वो बात किसी को बतानी नहीं है। और आप क्या करने जा रहे थे? राजकुमारी पद्मावती को बताने जा रहे थे भार्गवी के विषय में। और फिर गोविंद राज कहते हैं, हाँ बताने तो जा रहा था, किंतु तुम्हें कैसे पता चला? और फिर श्रीनिवास कहते हैं, मुझे आभास हो गया था कि आप कुछ गड़बड़ करने वाले हो। और कहते हैं, अभी जो होना था हो गया, इसके आगे आपको अधिक सावधान रहना है, सतर्क रहना है, आप ये बात किसी को नहीं बताओगे, राजकुमारी पद्मावती को तो बिल्कुल नहीं। और फिर गोविंद राज कहते हैं, किंतु तुम्हें राजकुमारी को बताने में क्या समस्या है, उनको क्यों छुपा रहे हो? और फिर श्रीनिवास स्मरण करते हैं, मैं आपको कैसे बताऊं कि राजकुमारी पद्मावती मुझे चाहने लगी है, उन्हें जिस दिन पता चल जाएगा कि मैं भार्गवी से प्रेम करता हूँ, पता नहीं उस दिन वो क्या कर बैठेंगी। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, वो राजवंशी है, उन्हें बड़े कार्य होते हैं, जान के क्या करेंगी वो, और पता भी नहीं किस बात का किसी को क्या बुरा लग जाए। और बताते हैं, हमारा कार्य क्या है, नृत्य सिखाना, तो कुछ समय की बात है नृत्य सिखाना है, तत्पश्चात नृत्य की शिक्षा समाप्त हो जाएगी, राजकुमारी पद्मावती का विवाह कहीं हो जाएगा तो बात समाप्त हो जाएगी। और फिर गोविंद राज कहते हैं, ठीक है मैं समझ गया, जो तुम समझाना चाहते हो वो मैं समझ गया। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंद राज कहते हैं, कुछ तो है जो तुम अब भी मुझसे छिपा रहे हो। और फिर श्रीनिवास जा रहे होते हैं और स्मरण करते हैं भार्गवी के बारे में, मेरे पुष्पों का श्रेय तो तुमने राजकुमार बासु को दे दिया, किंतु अब मैं तुम्हें स्वयं उपहार दूंगा भार्गवी। और भार्गवी भी हट गई होती है और कहती है, क्या उपहार दूं श्रीनिवास को जो उसे पसंद आए। और हाट में श्रीनिवास भी होते हैं जो भार्गवी के लिए उपहार ले रहे होते हैं, और दोनों पास होकर भी एक दूसरे को देख ही नहीं पाते हैं। और फिर श्रीनिवास को कंगन दिखते हैं
और भार्गवी भी श्रीनिवास के लिए आभूषण पसंद कर लेती हैं। और फिर उन कंगन को उठा के श्रीनिवास स्मरण करते हैं, मेरे लिए तो ये कंगन अनमोल है, क्योंकि ऐसा ही कंगन मेरी राधा भी पहना करती थी। और तभी भार्गवी भी स्मरण कर रही होती हैं आभूषण को लेकर, मुझे आशा है ये श्रीनिवास को अच्छा लगेगा। और श्रीनिवास कहते हैं, अब राधा के समान कंगन तुम भी पहनोगी भार्गवी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी घर जा रही होती है और स्मरण करती हैं, श्रीनिवास के आते ही मैं उसे ये दे दूंगी, तो वो कितना प्रसन्न होगा। और तभी मार्ग में राजकुमार बासु मिल जाते हैं और भार्गवी ने जो आभूषण लिया होता श्रीनिवास के लिए उसको भार्गवी छिपा लेती हैं। और फिर राजकुमार बासु भार्गवी से कहता है, लगता है तुम्हारे मेरे तार जुड़े हुए हैं भार्गवी, तभी तो हम एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। और फिर भार्गवी स्मरण करती हैं, मुझे ये फिर बातों में उलझा के देर ना कर दे, मुझे शीघ्र ही ये उपहार श्रीनिवास को देना होगा। और फिर राजकुमार बासु भार्गवी से पूछता है, मेरा दिया हुआ उपहार तुम्हें कैसा लगा। और फिर भार्गवी स्मरण करती है, उस उपहार को तो उसने रख दिया होता है और दोबारा देखा ही नहीं होता है। और फिर भार्गवी झूठ बोल देती है, क्या कहूँ बहुत ही सुंदर था। और राजकुमार बासु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर भार्गवी कहती है, किंतु अभी ना मैं जल्दी में हूँ, मुझे घर जाना है, मुझे ना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और फिर राजकुमार बासु कहता है, हाँ हाँ तुम घर जाओ। और फिर भार्गवी घर के लिए प्रस्थान करती हैं। और फिर राजकुमार बासु बाला से कहता है, मैंने कहा था ना तुमसे कि भार्गवी को मेरा उपहार अच्छा लगेगा। अब समय आ गया है कि भृगु से मेरे और भार्गवी के संबंध की बात आगे बढ़ाई जाए। अब जब भार्गवी घर जाएगी, भृगु से मिलेगी, तब भृगु भी उससे यही सवाल पूछेगा कि कैसा लगा मेरा उपहार। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, महर्षि भृगु पुत्री भार्गवी को ढूंढ रहे होते हैं। और तभी भार्गवी की माँ कहती हैं, आज आप इतनी जल्दी घर आ गए। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, हाँ मुझे आज भार्गवी से कुछ बात करनी है, कहाँ है वो। और फिर भार्गवी की माँ बताती हैं, वो तो हाट तक गई है, अभी आती ही होगी, परंतु बात क्या है। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, राजकुमार बासु ने भार्गवी को कल कोई उपहार दिया था। और फिर भार्गवी की माँ कहती है, मुझे तो ज्ञात नहीं क्यों। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, वो पूछ रहे थे मुझसे भार्गवी को उपहार कैसा लगा। और फिर भार्गवी की माँ कहती है, परंतु भार्गवी ने तो मुझसे उपहार के बारे में कोई चर्चा नहीं की। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, यदि राजकुमार बासु ने भार्गवी को कोई उपहार दिया है तो अवश्य ही वो मूल्यवान वस्तु होगी, भार्गवी ने हमें कुछ बताया क्यों नहीं। और तभी भार्गवी की माँ कहती हैं, अब स्मरण हुआ, मैंने कुछ देखा तो था, मैं अभी आती हूँ। और फिर भार्गवी की माँ राजकुमार बासु के उपहार को लेकर आती हैं और कहती हैं, देखिए यही होगा राजकुमार बासु के द्वारा दिया गया उपहार, मैं देखती हूँ इसमें क्या है। और तभी महर्षि भृगु कहते हैं, नहीं नहीं ये अनुचित होगा, बासु ने इसे भार्गवी के लिए दिया है तो उसे ही इसे खोलकर देखना चाहिए, आने दो उसे, वो स्वयं इसे खोलकर देखेगी कि क्या है इस उपहार में। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, भार्गवी आ रही होती हैं और स्मरण करती हैं, मुझे आशा है कि अभी तक श्रीनिवास घर नहीं आया होगा। और जैसे ही भार्गवी घर पहुंचती हैं, तुरंत ही श्रीनिवास भी आ जाते हैं और दोनों अपने अपने उपहार को छिपा लेते हैं। और फिर भार्गवी कहती है, तुम अभी आ रहे हो। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, हाँ मैं अभी तो आया। और कहते हैं, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, तुम मुझे देख के आज क्रोधित नहीं हुई। और फिर पूछते हैं, कहाँ गई थी। और फिर भार्गवी बताती है, मैं तो हाट गई थी किसी कार्य से। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, मैं भी हाट ही गया था। और फिर भार्गवी कहती है, तुम्हें आज विलम्ब नहीं हो गया आने में। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, आज हाट में अत्यंत विशेष कार्य था तो विलम्ब हो गया। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, श्रीनिवास भार्गवी से कहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब और विलम्ब नहीं करना चाहिए, अधिक विलम्ब हो गया तो ऋषि भृगु क्रोधित हो सकते हैं, नहीं चलो। और तभी द्वार दोनों लोग साथ में खोलते हैं और तभी भार्गवी का हाथ श्रीनिवास के हाथ के ऊपर आ जाता है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और मित्रों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।